श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है कि हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो उसका फल क्या है, कि हमें पूरा फल कैसे मिले। तो एक किसान था, बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला, सारे दिन खेत में मेहनत करता और शाम को भगवान का नाम लेता और सो जाता। उसके मन में एक बात थी कि उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन वो करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ था। हर वर्ष तीर्थयात्री वहाँ जाने के लिए तैयार होते, तो उस किसान का मन भी मचल गया, लेकिन पैसे की कमी थी जिस कारण वो जा नहीं पा रहा था। कुछ साल बीते, उस किसान ने कुछ पैसे जोड़ लिए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बड़ा सारा खाने पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों इतने यातायात के साधन नहीं थे जितने आज हैं। तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा पे पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में उस किसान की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। अब उस बूढ़े के कपड़े फटे हुए और पुराने थे, पैर में न जूते न चप्पल। अन्य तीर्थयात्री उससे कतरा कर निकल रहे थे, लेकिन उस किसान से नहीं रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मैं तीर्थ कैसे कर सकता हूं? एक बच्चा तो बीमार है, दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब उस किसान के मन में दया आ गई, मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचा है, उस किसान ने सभी को भोजन खिलाया है। बच्चे को, जो बच्चा बीमार था, उसको दवा दिलाई है। और जो बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे, उसके लिए बीज भी खरीद कर दे दी। सारा धन उसका बीमारी में, बीज में और भोजन में लग गया। जब वो उडुपी जाने लगा तो उसने पाया, अरे पैसे तो अब है नहीं, जाऊं कैसे? नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, चुपचाप अपने घर लौट गया। उसके मन में तीर्थ यात्रा न करने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। उसकी पत्नी भी उसके इस काम से खुश थी। रात को उस किसान को सपना आया और भगवान ने सपने में उस किसान को दर्शन दिए। भगवान कृष्ण को देखा और कृष्ण उसे आशीर्वाद देते और कहते हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? तुमने उस बूढ़े की मदद की है और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में और कोई नहीं था, मैं खुद था। अनेक तीर्थ यात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए। एक तुमने ही मेरी विनती सुनी है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया करना और प्रेम का त्याग मत करना। अब उस किसान को तीर्थ यात्रा करने का फल मिल गया था। भगवान खुद उसके साथ रहे थे, जिस भगवान के दर्शन वो करना चाहता था। तो ये कहानी की तीर्थ यात्रा का फल। तो कभी कभी रास्ते में कोई मिल जाए, किसी को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, पानी दे देना, खाना दे देना। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानियाँ मुझे पढ़ने को मिलती है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।